हाय गाइस, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल बदर। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक 6 HP KTCR मोटर रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी जाके आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी मैं इस मोटर को खोल रहा हूँ, खुलने के बाद पता चलेगा ये कितना परसेंट जल गया है। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। खोलने के टाइम आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी ना करें, ताकि जल्दबाजी करने से ये टूट भी सकता है। कुछ कुछ सामान टूट भी जाता है, जैसे कि थास प्लेट है, थास प्लेट अगर हथौड़ा से चोट लग जाएगा तो वो टूट सकता है। ये पूरा कास्टिंग लोहा का होता है, इसीलिए थोड़ा ठोका ठाकी काम करना चाहिए, धीरे धीरे इसको खोलना चाहिए। ये मोटर पूरा ओपन हो गया है, अभी हम देखेंगे कि मोटर किस तरह से चला है। तो फिलहाल देखने को मिल रहा है ये मोटर जला नहीं, स्पार्क करके ये वायर कट गया है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ अंदर, वहीं जो फर्स्ट वाला कॉइल और सेकंड वाला कॉइल के बीच में जो जहाँ क्रॉसिंग होता है वहीं फायर कर गया है, शॉर्ट सर्किट, जैसे दोनों फेज में शॉर्ट होके वहाँ फायर कर दिया है। फायर करने के बाद वो कुछ तार कनेक्शन टूट गया है, तो इसीलिए मोटर को पूरा वाइंडिंग करना होगा, क्योंकि ज़्यादा फायर कर गया है। अगर थोड़ा फायर होता, एक दो लेयर का होता तो उसको रिपेयर कर सकता था, लेकिन वो नहीं होगा। ये देखिए, मेरा मिस्त्री दिखा रहा है जे इस तरह का कटर से वायर कटिंग करना चाहिए, क्योंकि वह जल्दी कटिंग हो जाता है। ये मोटर का पूरा वायर निकल लिया है। अब हम आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाएंगे। इनका जो चौड़ाई है, रोटर या स्लॉट का जो चौड़ाई है, 18.5 cm, यानी कि इंच में बोले तो 7 इंच एक सूत, और इसका गोलाई है 22.5 cm, यानी कि 8 इंच 3 सूत होगा। अगर इसी डाटा का अगर आपको मोटर मिल जाए तो इसी डाटा में बाइंडिंग करने से ही अच्छा सा वर्क करेगा। तो देखिए, मैं मोटर में फिल्म घुसा दिया हूँ तार डालने के लिए। ये गार्डिंग पेपर देना होगा, ताकि वायर डालने के टाइम वायर का इंसुलेशन छिल ना जाए, इसीलिए ये गार्ड पेपर देना होगा। ये फिल्म का है, 5 mm फिल्म पेपर का है। देखिए, इस तरह से कॉइल को पकड़ के आपको मोटर के अंदर डालना होगा। देखिए कितना आसानी से अंदर चला गया एक साइड। फिर मैं इसको स्टिक डाल रहा हूँ, ताकि वायर पकड़ने के लिए स्टिक डालना ज़रूरी है। ये सब बात बोलना नहीं चाहिए, फिर भी गुम सुम रहने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा जानकारी जो नए इलेक्ट्रीशियन है, उन लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो, और उन लोगों को पूरा वॉच भी करना देखना भी चाहिए कि कैसे एक मिस्त्री काम कर रहा है। आप लोग को अच्छा से सिखाने के मकसद से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिए और वीडियो में लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग को मोटिवेट मिलता है, यानी कि हम लोग वीडियो बनाने के लिए अच्छा उत्सुक होता हूँ, और उसी से हम लोग को प्रेरणा मिलता है। इसी तरह से आप लोगों को वायर को बढ़िया से शेप बना लेना होगा, ताकि दूसरा कॉइल डालने में कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए इस तरह से कॉइल डालने के बाद इसको भांग लेना होगा या शेप बना लेना होगा। बीच में जो मैं जो अभी वायर डाला हूँ, उसका बीच में 8 स्लॉट खाली है,
यानी कि इनका पीच है 1 से 10। अब जो दूसरा कॉइल जाएगा 1 से 12, जो 1 से 12 जाएगा इसको पीच बोलते हैं। और ये मोटर 2 पोल का मोटर है, जो एक फेज का जो दोनों साइड में कॉइल बिठेगा ये होगा 1 पोल। तो 1 पोल जब कंप्लीट होगा हम आप लोगों को बता देंगे, इसी को पोल कहते हैं। बहुत सा मिस्त्री, बहुत सा जो इलेक्ट्रीशियन जो नया नया काम सीखते हैं, उन लोग को पीच और पोल के बारे में जानकारी नहीं होता है। तो एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा, सिर्फ आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए बिना स्किप किए। अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो मैं बात वीडियो के अंदर बता रहा हूँ वो बात छूट जाएगा। तार डालने के टाइम ज़्यादा खोचा खुची नहीं करना चाहिए, तो खोचा खुची करने से वायर का इंसुलेशन छिल जाता है। इसी तरह जो मैं गार्ड पेपर निकाल लिया हूँ, आप लोग इसी तरह से ही गार्ड पेपर को निकाल लीजिएगा। और वायर डालने के टाइम ये गार्ड पेपर देना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये आधा पोल हो गया, यानी फिर दूसरा साइड में कॉइल डाल रहा हूँ, वही 1 से 10, पीस संख्या 1 से 10, यानी कि जिस में डाल रहा हूँ उसी से लेके और दूसरा साइड में जो डालूँगा उसका संख्या होगा 10, और बीच में 8 खाली रहेगा। दोनों तार का बीच में जो स्लॉट रहेगा वो 8 स्लॉट खाली रहेगा, ये दूसरा पुल के लिए खाली रहेगा। देखिए एक कॉइल डाल लिया हूँ, 2 कॉइल का 1 सेट होता है, और अच्छा से होगा तो 4 कॉइल का 1 फेज का सेट हो गया। देखिए एक तरफ 2, एक तरफ 2, यानी कि ये 1 फेज का कॉइल है, यानी कि मोटर का 1 फेज पूरा वाइंडिंग हो गया है। इनका जो लूप होगा, इनर जो हम कॉइल पहले लपेटते हैं उनका इनर साइड हम लूप निकालते हैं, जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ वही लूप निकले हैं। और कॉइल टू कॉइल जो शॉर्टिंग है वो आउटर लूप है, वो फिलहाल एक साथ कॉइल किया हुआ है इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कहीं किसी वीडियो में अगर कॉइल कटिंग करके करूँगा तो इनर और आउटर दिखाऊँगा और उसके बारे में भी अच्छा से समझाऊँगा। देखिए गिनती कर रहा हूँ, इसमें 8 स्लॉट बीच में खाली है, और जो कॉइल पहले डाला हूँ उसी का बाजू वाला में लेना होगा। देखिए मैं बाजू वाला में लिया हूँ, जो पहले का फेज जो 1 पोल 2 पोल जो कॉइल वाइंडिंग हो गया है उसी का जो बाजू वाला, किधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी उधर से भी। इधर से लेंगे बायां तरफ से लेंगे तो दाहिना तरफ आपको बनना होगा, और दाहिना तरफ लेंगे तो बायां तरफ जाना होगा। तो मैं बाएं तरफ लिया हूँ, दाहिना तरफ के ओर जा रहा हूँ। देख ये 4 कॉइल डाला हुआ है, और इसके बाद में जो 8 स्लॉट था उसी में से 5 स्लॉट में डाल रहा हूँ, यानी कि जो फिल्म डाल रहा हूँ उसी का बाजू में 4 स्लॉट खाली है। तो ये भी 1 से 10 में ही डाल रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना होगा जो पहले कॉइल डाला हुआ है उसी का बाजू वाला में लेना होगा, तभी जाके मोटर का वाइंडिंग सही होगा और पिच मिलेगा। अगर ये गलती हो गया तो लास्ट में जाके आप स्लॉट कुछ बाकी रह जाएगा और वायर भी नहीं घुसेगा। तो इसी तरह से ही मोटर को ध्यानपूर्वक वाइंडिंग करना होगा। यहाँ जो मोटर का जो मैं तार यूज किया हूँ ये 1.3 वायर है, इस कॉइल का टर्न है 23 टर्न करके पार कॉइल में मैं डाला हूँ। इनका वेट टोटल तार का वेट होगा 2 kg 700 ग्राम। वीडियो में दिखाया भी हूँ बीच बीच में एमिनेशन के जरिए, ये मोटर वर्क करेगा
130 वोल्ट से 350 तक कुछ भी नहीं होगा। और जो जलने का होता है तो जल जाता है, लेकिन इसी में वो और करता है, पानी बढ़िया फेंकता है। ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट वीडियो नहीं है, ये पार्टी का वीडियो है, जो किसान लोग होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों का है ये मोटर। ताकि हम लोग को बहुत कंपटीशन में काम करना पड़ता है, हमारे एरिया में बहुत सा मिस्त्री है ऐसा, तो इसीलिए खूब बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ सही डाटा से ही मोटर बाइंडिंग करना पड़ता है। थोड़ा पानी कम उड़ जाए या मोटर बार बार जल जाए तो मिस्त्री का कुछ नुकसान होता है, इसीलिए हम लोग को पास जो डाटा मिलेगा ये मिलेगा मोटर बाइंडिंग का, तो ये एकदम जेन्युइन ही मिलेगा आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह का बहुत सारा वीडियो आप लोग को देने वाला हूँ, और दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो जो कम सीखने का इच्छुक रखते हैं, तो उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए मेरा लेक्चर उतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी आप लोगों को काम बहुत बढ़िया मिलेगा। जो डाटा दूंगा मैं एकदम जेन्युइन डाटा आप लोगों को मिलेगा। अगर वीडियो में कुछ समझने में दिक्कत है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है मुल्ला बद्रो नाम का इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कीजिए, वहाँ से DM कीजिए, मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, कॉल के जरिए आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा, सुझाव देने का कोशिश करूँगा। मेरा चैनल दीप क्रिश्चियन में इंस्टाग्राम ID दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए मोटर पूरा फुल बाइंडिंग होने को आ रहा है, आप लोगों को कॉयल वेल बाइंडिंग नहीं दिखाऊँ ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो कॉयल में 23 टर्न करके है, 1.3 वायर है, 2 किलो 700 ग्राम है, ये वीडियो थोड़ा इसकी और स्पीड बढ़ा के दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए माफ़ कीजिएगा। इससे अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा वीडियो को स्पीड बढ़ा के दिखाना पड़ता है। ये वीडियो 3-4 घंटा में शूट हुआ है, आप लोगों को 18-20 मिनट में दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर कुछ समझने में गलती हो समझने में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट के जरिए आप लोगों को उत्तर देने का कोशिश करूँगा या समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए मोटर पूरा वाइंडिंग हो गया, आप कनेक्शन वाली कनेक्शन के बारे में बता दूं, जो तीन फेज का तीन सेट कॉयल है, 2 पोल में बाइंडिंग है, तो लाल पीला करके आप लोगों को दिखाए हैं, तो एक छोड़ के एक लेना होगा आप लोगों को, तब जाके सही होगा। जैसे रेड वाला के बाजू में ब्लू है, ब्लू छोड़ दिया, येलो पकड़ लिया, फिर येलो छोड़ दिया, रेड को पकड़ लिया, ऐसे करके जो सीधा सीधा लूप निकलेगा उसी का एक छोड़ के एक पकड़ना होगा, ये तीनों को सेटिंग कर देना होगा, तब जाके स्टार कनेक्शन हो जाएगा। अगर डेल्टा होगा तो डेल्टा का बात अलग है, जब डेल्टा करूँगा वह डेल्टा में समझाऊँगा। देखिए तीनों तार लिया हूँ, एक पीला, एक नीला, एक लाल, तीनों के एक साथ ज्वाइन कर दिया हूँ, लेकिन एक छोड़ छोड़ के लेना होगा। लाल पकड़ लिए, लाल का बाजू में जो भी कलर आएगा आपका उसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरा कलर ले लीजिए, फिर उसका बाजू में जो कलर है उसको छोड़ दीजिए, तीसरा को ले लीजिए, कनेक्शन एकदम सही होगा। हम आप लोगों को एक कनेक्शन का ही थोड़ा वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, जल्दी ही दे दूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसीलिए बारीकी से नहीं दिखाया हूँ। ऐसे करके रेड में रेड लगा दीजिए, ब्लू में ब्लू लगा दीजिए, येलो में येलो लगा दीजिए।
अगर आपका उधर ट्रांसफार्मर से जो लाइन आएगा रेड येलो ब्लू, अगर कलर कोड के आपको जानकारी होगा तो एकदम रेड ब्लू में लगाए एकदम सीधा घूमेगा मटर, एक ही चांस में सीधा घूम जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज घूम जाएगा। टेपिंग बढ़िया से करना होगा ताकि इसके अंदर पानी ना जाने पाए, पानी जाने से शॉर्ट दिखाएगा। टेप को बढ़िया से थोड़ा घना करके लपटना होगा। देखिए तीनों यार तीनों में लग गया है, येलो येलो में, रेड रेड में, ब्लू ब्लू में लग गया है। अब ये कनेक्शन हो गया, अब मोटर को फिटिंग करना दिखाऊंगा। जितना साफ सुथरा वाइंडिंग का कर पाओगे उतना ही आप लोगों को वो सर्विस अच्छा मिलेगा। जितना साफ सुथरा हो उतना अच्छा, साफ इसी से अब मिस्त्री का क्वालिटी का पहचान होगा। और इसको बांधने के टाइम बहुत टाइट करके बांधना होगा ताकि वाइब्रेशन में तार वाइब्रेशन ना हो। वाइब्रेशन होने से क्या होता है, तार का इंसुलेशन छिल जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो वायर फायर कर जाता है, इसी से मोटर ज़्यादा जलता है, ज़्यादा फायर करता है। मोटर दो तरफ दो तरह का जलता है, एक फायर करके जलता है, एक पूरा पिघल के जलता है, पूरा राख बन जाता है। तो ये तो मोटर राख नहीं बना था, ये फायर करके जल गया था, यानी कि वोल्टेज या मोटर का कुछ दूसरा प्रॉब्लम नहीं था, वही तार जो वाइब्रेशन से हिसक के तार का इंसुलेशन छिलने के बाद ऐसा शॉर्ट सर्किट होके तार फायर कर जाता है। हम लोग का भाषा में फायरिंग बोलते हैं, फायरिंग करके कट जाता है, तार टूट जाता है। देखिए मोटर भी फिटिंग हो गया है, तो आज बस इतना ही। दूसरा वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। और ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कीजिए ताकि आप लोगों का लाइक शेयर से हम लोगों को प्रोत्साहित करता है। देखिए मिस्त्री लोग क्या गलती की है, जो दोनों में आपस में बात कर रहा है, ये मेरा